सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो सो मच, थैंक्स अ लॉट कि आप सब लोग यहाँ पर आए और मेरे बर्थडे में शरीक हो रहे हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच गाइस। ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी माय फैमिली, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मैटर करती है और हर एक के लिए उनकी फैमिली मैटर करती है, तो इट फील्स वेरी स्पेशल टू बी लव्ड एंड केयर्ड बाय योर फैमिली फर्स्ट एंड देन ऑफ कोर्स योर फ्रेंड्स, सो योर बेस्ट फ्रेंड्स कम इन द लिस्ट। सो सभी फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके अराउंड 12 o'clock विश किया, फेल्ट वेरी नाइस एंड लव्ड एंड केयर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडस्ट्री में से जितने भी हमारे परिचित हैं उन्होंने सब ने मुझे कॉल किया, विश किया। सो सुबह से काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स और चल रहे हैं। बहुत खुशी होती है दैट यू आर वॉन्टेड एंड यू आर लव्ड। I am not wearing it right now, but I got a very cute gift of a small pendant which was given by my family, and it's like with her first earning she has given, so that is very special to me. Thank you. मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेट किए हुए याद नहीं है। मैं बहुत मीडियम क्लास फैमिली से रही हूँ, तो बर्थडेज़ का इम्पोर्टेंस कभी उतना नहीं रहा है। चॉकलेट्स लिए, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए, फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया एंड बर्थडे ख़त्म हो गया, ये होता था। बट आफ्टर यू बिकम एन एक्टर, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है उतनी ही लोगों से आपका जुड़ाव जो एक स्पेशल नोट पे बनता है वो ऑडियंस के थ्रू और लोगों के थ्रू भी पोर्ट्रे होता है। सो इट फील्स वेरी स्पेशल टू गेट लव्ड बाय एवरीवन। जी नहीं, और मैं चाहती भी नहीं हूँ मिले, आप लोग कोशिश भी मत करिएगा। या देर आर सम गुड प्रोजेक्ट्स दैट आई एम वर्किंग ऑन, ऑल्सो आई हैव टेकन अप विद सिंगिंग राइट नाउ, सो आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट, doing my shows all over India, that will be on cards. Plus there are some movies which are in the pipeline which will be on Hindi project note. So bahut jaldi koi ek movie ki khabar bhi aa jayegi aap sabhi ko, which will be a Hindi film, and it has got relationship of a girl who's a prostitute and what she has gone through, iske bare mein wo film hai. और इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे जाने माने कलाकारों में से नाम जुड़े हुए हैं, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।
I would like to make you all meet my Guruji, in fact. He's come here and he does more of predictions for Jai Maharashtra channel live on Jai Maharashtra. So, कहाँ बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ में शुरुआत की थी निरहुआ रिक्शा वाला से और बहुत बड़ी बड़ी हिट दी। वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं उतनी अच्छी इंसान हैं और हमारा तो बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा, हम दोनों ने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं और बड़ी बड़ी हिट दी हैं, तो मेरे लिए वो कलाकार से ज़्यादा मेरी दोस्त है। मैं चाहूँगा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे और आगे बढ़ती रहे। बहुत कमाल की हमारी और पाखी की बॉन्डिंग ऐसी रही है कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू। हम लोगों ने बहुत सारा सिनेमा साथ में किया, हमारी हम को एक्टर से ज़्यादा अच्छे दोस्त रहे हैं और लगभग 15-20 साल से हम दोस्त हैं, तो उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, यही कहूँगा। थैंक यू, सबको लव यू भाई, सबको प्रणाम, हाय हाय टू ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, बाइट बाइट हम सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों को उनके सबसे चहेते और उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा, सलाम बा। और आज हम लोग बहुत ही हमारी इंडस्ट्री की जो लीजेंडरी एक्ट्रेस, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल की टैलेंटेड, द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल, द मोस्ट टैलेंटेड हीरोइन और मेरी बहुत ही करीबी, बहुत ही चहेती पाखी हेगड़े जी का जन्मदिन है आज, तो उनके इस शुभ दिन पर, उनके इस बड़े दिन पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे लोग, नामी लोग, जैसा कि मैं आया हूँ ऐसा मेरे साथ साथ और भी लोग आए हैं। काफ़ी खुशी की बात है और अच्छा लगता है। एक्चुअली ये सब बहाने हैं, ये पार्टीज, ये फंक्शन, ये जो भी चीज़ें होती है सब बहाने होते हैं। हम सभी परिवार, जो हमारा सिनेमा परिवार है, इंडस्ट्री परिवार, ये सब एक साथ होता है और सबको मिलने का, क्योंकि सब अपने अपने काम में कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं, तो ये एक मौका होता है सबको एकजुट होने का, सबसे मिलने का। और काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं अपने सिनेमा परिवार से काफ़ी दिन के बाद जब मुलाकात होती है, बहुत खुशी होती है। और तहे दिल से हमारी पाखी जी को, हमारे इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत, सबसे अजीज़ और सबसे प्रीशियस पाखी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, द हैप्पीएस्ट बर्थडे टू हर। और ऊपर वाला उन्हें, मैंने पोस्ट भी किया था कि ऊपर वाला उन्हें लंबी उम्र से बख्शे, वो ऐसे ही हमेशा अपने खूबसूरती का जलवा हमेशा बिखेर दे रहे हैं। मैं तो चूँकि सबसे जवान लड़का मैं ही हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री का, द मोस्ट यंग बॉय ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, तो सबसे ज़्यादा पार्टी, सबसे ज़्यादा धमाल मैं ही करता हूँ और मैं खुद तो करता ही हूँ, साथ में जो हमारे जो कुछ लोग थक भी गए तो उनको उठा उठा के नचाता हूँ, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है, ये जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा कि भोजपुरी में जो लोग थोड़े ठंडे हो जाए उनको उठा के फिर से गर्म करता हूँ। तो जितने भी लोग हैं सबको आज बहुत नचाने वाला हूँ, बहुत धमाल करने वाला हूँ। जैसा कि पाखी जी खुद भी बहुत चुलबुली हैं, नटखर्ची हैं, तो हम दोनों का हमेशा से ट्यूनिंग रहा है, तो वो ट्यूनिंग आज फिर से पार्टीज़ में दिखने वाला है। सबको नचाने वाले हैं, बहुत धमाल करने वाले और पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। अभी हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म, जिसके प्रोड्यूसर श्री प्रदीप सिंह जी हैं और डायरेक्टर श्री मंजुल ठाकुर जी हैं, उनकी एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कमाल की फिल्म, जिस फिल्म का नाम है विवाह, उस फिल्म की शूटिंग हमने पूरी की है। उसमें एक बहुत ही खूबसूरती सा, कमाल सा, तड़कता फड़कता स्पेशल सॉन्ग मैंने और पाखी जी ने किया है, वो कमाल के फिल्म बनी है, कमाल का गाना पिक्चराइज हुआ है। और ये वो वैसी फिल्म है जो हम अर्बन सिनेमा की, जो हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं भोजपुरी में, कि भोजपुरी में हम ऐसी फिल्म देखें, स्टैंडर्ड फिल्म देखें, जो हम कहीं पर भी अपने पूरे परिवार के साथ किसी को भी हम दिखा सकते हैं, भारत के किसी भी इंसान को हम खड़ा करके वो फिल्म दिखा सकते हैं। वो वैसी फिल्म है जिसमें अश्लीलता ऐसा नाम का कोई भी चीज़ नहीं,
ہے پوری طرح سے وہ فیملی انٹرٹینمنٹ فلم ہے, جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے. ویواہ ویواہ راجشری کی ایک بہت ہی خوبصورت فلم تھی. جب بھی ٹی وی پر آتا ہے تو ہم لوگ ریموٹ اسے چھوڑ دیتے ہیں, وہاں پر دیکھنے لگتے ہیں وہ فلم. تو اسی طریقے کا یہ فلم ہم نے بنائی ہے, اس سے بھی خوبصورت. ویسی بالکل نہیں ہے, اس سے پورے طریقے سے الگ کہانی ہے, نئی کہانی اور بہت ہی خوبصورت کہانی ہے. تو آپ سب سے نویدن ہے کہ جب بھی ویواہ آئے تو آپ لوگ اپنے نزدیکی سنیما گھروں میں جائیے اور دیکھیے اس فلم میں میرا اور پاکی جی کا ایک الگ رومانس نظر آئے گا. اور اتنی باتوں کے بعد میں میرے فائدے کی بات کروں گا. 21 جون کو میری بہت ہی خوبصورت, کمال اور بہت ہی بڑی فلم نائک ریلیز ہو رہی ہے. تو آپ سب لوگ اپنے نزدیکی سنیما گھروں میں جائیں, اپنے پورے پریوار کے ساتھ, پورے دوست یار کے ساتھ 21 جون کے نائک فلم دیکھے خاطر, جس میں ہم پاونی ایک نئی اداکارہ اور ساتھ ساتھ باہوبلی میں جو ولن رلن کالیکے پربھاکر, وہ ولن اس میں میرے ساتھ ایک خطرناک ٹکراؤ میں دکھائی دیں گے. تو بالکل مت بھولیے گا, 21 جون آپ کے نزدیکی سنیما گھروں میں نائک دیکھنے ضرور جائیے گا. اینڈ ہیپی برتھ ڈے ونس اگین ٹو پاکی جی, لو یو آل, تھینک یو سو مچ. لک ان دا کیمرا اینڈ دین ٹاک. ہم نے ایکچولی اسٹارٹ کیا ان کو گھر پہ سرپرائز کر کے وتھ یو نو گفٹ اینڈ واٹ ایور ہر فیوریٹ تھنگز آر. ہم نے ٹرائی کیا کہ ہم اتنا کریں ان کے لیے, بیکاز وہ کافی بزی رہتی ہے, ان کو گھر میں ٹائم مل دے نہیں پاتے وہ. تو ہمیں لگا کہ ہم گھر پہ ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں, اینڈ آج آپ لوگ کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. سو ویری ہیپی ٹو ڈو دیٹ. انہیں کھانا بہت پسند ہے, تو آپ چٹ پٹا کھانا بناؤ, مرچ مسالہ والا کھانا بناؤ. ان کے جم ٹرینر تھک جاتا ہے ان کو بول کے کہ کھانا اچھے سے کھاؤ پاکی جی, بٹ پاکی جی نہیں سنتے ہیں. پاکی کو چٹ پٹا کھانا پسند ہے, تو گھر پہ بول کھل رہی ہے. گھر پہ سب سے زیادہ آئی ایم ویری کانشیس اباؤٹ مائی ڈائٹ اینڈ آئی مینٹین ویری ویل. اینڈ آپ لوگوں نے پوچھا تھا بیسٹ گفٹ کیا تھا, تو شی earned out of her money, she gifted me for the first time a gold chain, which was a very beautiful yes, gift. mere liye bahut precious hai kyunki ye iski pehli kamai se usne mere liye kharida hai. to she is a blogger and she is doing really great right now on blogging, so I really wish her all the best, and very soon you'll hear that she is doing movies. So we're looking forward to some good projects for her. TikTok pe jis tarah ka pyar diya hai, aap kitna proud feel karte ho? Happy birthday! Oh! This is so sweet. Thank you, baby. Thank you so, so much. Just one minute. Cover this. Kangna ji, wait. Wait, complete your pictures till then. I'll just join you, baby. Ji. Yeah. When she told me about her career, ke she wants to start with acting as her career. Main utna serious nahi thi because mujhe laga ke har ek ka wo dream hota hai. So I said agar 100 fans bhi aap jama kar sakte ho
तो उसके बाद में मैं कहूँगी कि आप एक्टिंग करने लायक हो तो वो आप अर्न कर लो. और इसीलिए मैंने उसको बोला कि तुम ट्राई करो. और आई वॉज सरप्राइज्ड दैट यंगस्टर्स में वो काफ़ी नोन है और उसको अच्छे फॉलोइंग है. इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा उसकी फॉलोइंग है आज, बिकॉज हम लोग सोशल साइट्स पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाती हूँ. एंड दे रियली मेक इट वेरी ग्रेट ऑन ऑन स्क्रीन ऑन सोशल नेटवर्क. तो इन वन मंथ्स टाइम शी इज़ ऑलमोस्ट क्रॉस 115K. सो दैट इज़ ग्रेट अचीवमेंट आई फील. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड प्रोजेक्ट्स फॉर हर फॉर श्योर. आई थिंक मैंने एक्चुअली इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना मुझे मिला है. एंड आई एम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग आई हैव सो फार. आई एम जस्ट ग्रेटफुल दैट्स इट. आई वुड डेफिनेटली लव टू वर्क ऑन समथिंग. अभी फिलहाल she was approached by one of the films right now. The talks were on. Mandakini's son was getting launched with Devanandji's grandson, but somehow she didn't like the thought, the line of the story. So she said no to that particular film, but we are really looking I at good projects. Agar hum kuch kar rahe to I think 100% to be in it, you know, is very important. So for me the subject and everything matters a lot. So yeah, hopefully something comes. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. पाकी को जन्मदिन की दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा. और शुभकामनाएं हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं. वो हमारी शुरुआती दौर से शायद सबसे अच्छी को एक्ट्रेस रही हैं. हम लोगों ने बहुत फिल्में साथ में किया था और हम लोग एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हैं. पाकी, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सफल रहें, कुशल रहें. लव यू सो मच पाकी, हैप्पी बर्थडे. वो पहली अभिनेत्री जिनके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग रही है हमारी. हम लोगों ने, मैंने बोला ना, कई फिल्में साथ में किया है. हम उनको प्यार से माते भी बुलाते हैं और हम लोगों के बीच में बड़ी अच्छी केमिस्ट्री, शायद ऐसी केमिस्ट्री मेरी अभी तक किसी हीरोइन के साथ रही नहीं है. तो पाकी जी इसमें सबसे स्पेशल हैं और मैं भी स्पेशल हूँ आज यहाँ पर आया हूँ. बहुत रिसेंटली मैं पाकी के लिए, मैंने विलेन छोड़ के अब चरित्र अभिनेता का रोल करने लगा हुआ है. तो मेरे अपोजिट पाकी जी बहुत जल्दी दिखने वाली हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार में. जल्दी बोले तो शायद एक आध दो महीने में. थैंक यू लव यू पाकी. देव जी कम. सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पाकी जी हमारी इंडस्ट्री की सबसे कमाल की अदाकारा हैं और उनको उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें. थैंक यू थैंक यू. पाकी से शुरू से ही मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है. शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. और बहुत सालों से आई थिंक निरहुआ रिक्शा वाला जो मेरी फिल्म का बहुत बड़ा एक हिट सॉन्ग था, पाकी की शुरुआती फिल्म में से कुछ फिल्म में से वो एक थी. तो तब से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है और वो बॉन्डिंग कभी ख़त्म नहीं हुई है. मतलब वेदर वी हैव वर्क टुगेदर और नॉट, वी हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स. और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में कोई वाकई एक लड़कियों में मैं जिसको रियल स्टार मानती हूँ, दैट इज़ पाकी हेगड़े. मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा. मैं एक डांस रियलिटी शो कर रहा था, डांस संग्राम, और उसमें मैंने पहली बार पाकी जी को देखा था. उसमें गेस्ट जज आई थी वो, और मुझे विश्वास नहीं होगा कोई हीरोइन इतनी भी खूबसूरत हो सकती है पाकी जी को देख के. ये आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात है आई थिंक. और मैं इतना इम्प्रेस हुआ उनको देख के कि मुझे लगा कि इनके साथ अगर दोस्ती हो सके, कुछ हो सके. और फिर आगे जाके संभावना के थ्रू मैं पाकी जी से मिला, फिर पता चला वो जितनी खूबसूरत अदाकारा हैं, जितनी खूबसूरत
वो दिखती हैं उतनी खूबसूरत उनकी पर्सनैलिटी अंदर से भी है. सो बेसिकली शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट. और मेरी मेमोरीज पाकी के साथ एकाध नहीं है, बहुत सारी मेमोरीज हैं. हम लोगों ने इतने शोज साथ में किए हैं, इतने रियलिटी शोज साथ में हम लोगों ने किए हैं, इतनी फिल्म साथ में करी हैं. ऑन एंड ऑफ स्क्रीन मैं ये कह सकती हूँ कि पाकी कुछ इंडस्ट्री में से बहुत ही कम लोग हैं जिनको मैं हमेशा, मेरी एक बहुत ख़ास तौर से बॉन्डिंग रही है, दैट इज़ पाकी हेगड़े फॉर मी. जैसे एक रिंकू घोष है जो अब फिल्मों में काम नहीं कर रही हैं लेकिन उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, वैसे ही पाकी चाहे वो फिल्मों में काम करें नहीं करें, बाद में करें, अभी करें तभी करें, वो हमेशा मेरी दोस्त रहेगी. ऐसा है पाकी के साथ. एंड वाकई शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन. जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि ये नहीं है कि आपकी सूरत अच्छी है, उसकी सीरत भी बहुत अच्छी है. वो चाहे आपसे दो दिन बाद मिले या फिर दो साल के बाद मिले, वो वैसे ही उसी एनर्जी से मिलती हैं. और आई थिंक पाकी की ये मुझे समझ नहीं आता कि एज उसकी कहाँ रुक गई है, वो बढ़ती नहीं आगे. वो जितनी खूबसूरत आज से मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले थी वो उतनी खूबसूरत आज भी है. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी, समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था उन्हें भी मिल गया थोड़ा सा. तो पाकी की खूबसूरती को वाकई मैं कह सकती हूँ कि उसको टक्कर देना भी बहुत मुश्किल है, जो उसने अपने को मेंटेन कर रखा है, दैट्स अ वेरी बिग थिंग. देखिए हम तो दिखना चाहते हैं, बिल्कुल दिखना चाहते हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए कोई होना चाहिए जो कि दोनों को एक साथ फिल्म में दिखाए. हम लोग ऐसे ही दिख जाए काफ़ी है, फिल्म में दिखने की ज़रूरत नहीं है. हमारी बॉन्डिंग ऐसे दिख जाती है लोगों को. ओके, थैंक यू. ऑलराइट, थैंक यू.